नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेट नोवेट सी क्रीम वर्सेस नो स्कार्स, दोनों ही क्रीमों में से आप लोगों के लिए कौन सी अच्छी रहेगी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेट नोवेट जो सी क्रीम है इसका प्राइस आपको बता देता हूँ। 53 रुपीज़ में आपको मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद हम नो स्कार्स की अगर बात करें तो नो स्कार्स क्रीम लगभग 249 रुपीज़ की आपको मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ी कम में भी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको क्रीम बता देता हूं, तो क्रीम यहां पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। दोनों ही क्रीम व्हाइट निकलती हैं अंदर से। और पैकेजिंग की बात करूं तो वेट नोवेट सी क्रीम थोड़ी कमजोर है, तो ये इसमें लीक होने का जो चांस है वो ज्यादा है। और नो स्कार्स की अगर हम बात करूं तो प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है और काफी अच्छी इसकी प्लास्टिक भी है, यूज की गई है। तो अब मैं आपको इनके थोड़े से जानकारी दे देता हूं कि ये किस लिए यूज की जाती है और आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको नो स्कार्स क्रीम के बारे में बता देता हूं। जो नो स्कार्स क्रीम है गाइस, ये है मतलब डार्क स्पॉट को रिमूव करने के काम में आती है। यहां पर नीचे आप क्लियर देख सकते हो, रिड्यूस एंड रिमूव स्कार्स एंड मार्क्स। अगर आपको एक्ने पिंपल के स्कार्स या मार्क्स हैं तो आप इजीली इसको इस क्रीम से रिमूव कर सकते हैं। इस क्रीम के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो काफी अच्छी ये क्रीम है। इसको यूज करने का सिंपली तरीका होता है, नाइट में आपको यूज करना रहता है फेस वॉश करने के बाद। अब मैं आपको बात कर लेता हूं वेट नोवेट सी क्रीम की। तो वेट नोवेट सी जो क्रीम है, काफी लोग इसको गोरा होने के लिए यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक्जिमा और फंगस को ठीक करने के काम में आती है। इसको यूज़ करने का तरीका सिंपली आप अपने डॉक्टर से ही पूछेंगे, क्योंकि इस ये क्रीम काफ़ी हार्मफुल केमिकल वाली क्रीम है, मतलब इसमें स्टेरॉइड मिलाए गए हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका हम आपको नहीं बता सकते गाइस, ठीक है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, भाई आपको इसकी सही जानकारी दे पाएंगे। हमारा काम होता है आपको वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताना कि ये क्रीम किस काम की है। तो ये क्रीम एक्जिमा और फंगस को ठीक करने के काम में आती है। इसके जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो है बीटामिथासोन मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है। और इसमें कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मिलता है हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन, तो फ्यूरोस, ठीक है। ये डार्क स्पॉट को रिमूव करने की है और ये एक्जिमा फंगस को ठीक करने की है। अगर आपको एक्ने पिंपल के स्कार्स हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक्जिमा फंगस के लिए आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करने के बाद। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।